दुर्गा ने मोहतरम सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज भी कुछ बातें आपके गोश गुजार करनी हैं। अरबी का एक शायर कहता है, मा इन मदहतु मुहम्मदन बी मकालती, मा इन मदहतु मुहम्मदन बी मकालती, लाकिन मदहतु मकालती बी मुहम्मदिन। क्या फरमाया कि मा इन मदहतु मुहम्मदन बी मकालती, कि मैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह तारीफ सना तौसीफ ये करता हूँ तो इससे मेरे आका का रुतबा बढ़ नहीं जाता है, वो तो अपने मकाम पर फाइज है। तो मेरी तारीफ करने से आका का दर्जा नहीं बढ़ता, वो तो ऑलरेडी अल्लाह तबारक व ताला ने उनको दर्जा अता कर रखा है। तो फिर क्या होता है, अगले मिसरे में अरबी शायर कहता है, लाकिन मदहतु मकालती बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ये होता है कि मैं जब कलम उठाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखता हूँ, हुजूर की मदह करता हूँ, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मैंने जो कलाम लिखा है वो मुअत्तर हो जाता है, उसमें जान पड़ जाती है, उसमें रूह आ जाती है, उसमें खुशबू और महक पैदा हो जाती है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और आपकी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। तारीफ करना सुनना लिखना पढ़ना ये सब हमारे लिए सआदत की बात है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमा चुका है, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अनक विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। हाँ ये तो सिर्फ मैंने आपको एक मकाम बताया, वरना कुरान करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल से भरा पड़ा है। तो अगर कोई कलाम हम लिखे तो हमारे लिए सआदत है कि कल क़यामत में हम ये कह सकेंगे कि अल्लाह तेरे महबूब की जिन लोगों ने मदह लिखी थी सना की थी नज़्म और नात लिखी थी तो उसमें इस आजिज़ का भी कुछ हिस्सा था, सआदत थी इसने भी लिखा था, तो उंगली कटा के हैं हनीफ भाई शहीदों में नाम हम भी लिखा लें। तो बहरहाल सुने, है सलाम वाज़ो तकरीर का अपना एक उसूल, है सलाम वाज़ो तकरीर का अपना एक उसूल, करता हूँ मैं पहले हम्दे खुदा, करता हूँ मैं पहले हम्दे खुदा, या सुनाता हूँ नाते रसूल, या सुनाता हूँ नाते रसूल। किसी को अच्छा लगे या बुरा, किसी को अच्छा लगे या बुरा, करना इस बात की फिक्र है फजूल, है जावेद भाई, करना इस बात की फिक्र है फजूल, जब भी करता हूँ मैं जिक्र रसूल, जब भी करता हूँ मैं जिक्र रसूल, जुबां करती है मेरी दिल से दाद वसूल,
हैं, मेरी जुबान जब भी मैं आका का जिक्र करता और लिखता हूँ तो दिल से क्या करती है, दाद वसूल करती है। सुनो जितना भी जिक्र आका दिल भरता नहीं, सुनो जितना भी जिक्र आका दिल भरता नहीं, कौन ऐसा होगा सुनने को जिसका दिल करता नहीं। आगे आपको लुत्फ आएगा अगर आप समझे तो। हनीफ भाई सुने, है ये एक ऐसी प्यास, किस चीज की, हुजूर का जिक्र करने की, लिखने की, पढ़ने की, सुनने की, तो ये भी एक प्यास है। है ये एक ऐसी प्यास जो कभी बुझनी नहीं। दोनों में फर्क है, बुझती नहीं ये नहीं कहा। है ये एक ऐसी प्यास जो कभी बुझनी नहीं, सात समंदर भी मैं पी लूं तो मुक्ति इससे मिलनी नहीं। गुजराती वर्ड है मुक्ति, हैं इकबाल जो हैं और दूसरे शुआरा भी उर्दू में फारसी या कभी अरबी का लफ्ज घुसेड़ते हैं, तो जावेद भाई हम गुजराती है तो हमने गुजराती का लफ्ज घुसेड़ा है सिद्दीक भाई, तो पता तो चले कि ये गुजराती है तो इसलिए हमने गुजराती का लफ्ज अंदर दाखिल कर दिया है। है ये एक ऐसी प्यास जो जिंदगी भर बुझनी नहीं, मैं सात समंदर भी पी लूं तो मुक्ति इससे मिलनी नहीं। लोग लिख गए सीरत पे और आज भी लिख रहे हैं, लोग लिख गए सीरत पे और आज भी लिख रहे हैं, ये ऐसा समुंदर है कि जिसके किनारे नहीं दिख रहे हैं। हैं ये तो एक ऐसा समंदर है हुजूर की सीरत पे कलम उठाना कि उसका कोई किनारा ही नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा है। लोग लिख गए पहले भी आज भी लिख रहे हैं और हमारा ईमान है कयामत की सुबह तक लिखते रहेंगे, लेकिन हुजूर की सीरत का हक अदा नहीं हो सकता। किसी शायर ने कितनी प्यारी बात लिखी है, जिस मज़मून को मैंने बयान किया वो मैंने उसी से अख्ज़ किया है, लेकिन उनकी बात मेरी बात से ज़्यादा प्यारी है। वो लिखते हैं, चलता ही रहा सदियों से सीरत पे कलम, पूरी न हुई मगर रूदाद हरम, समंदर का पानी सूख गया औसाफ़ नबी लिखते लिखते। शायर कहता है कि देखिए, ये जो दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है ये भी पानी ही से फैलाई है, ये जो कायनात है, ये जो धरती है, कायनात नहीं, ये जो धरती है, ये ज़मीन है, ये सारा पानी था पहले। इन अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकं वहुदल लिलआलमीन, चौथे पारे में क़ुरान करीम में आयत आई है, उसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पानी का बुलबुला जो है वो उठा है और फिर उसको क्या कर दिया, वो फैला दिया है। आज भी साइंसदान ये कहते हैं, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये जो धरती अल्लाह ताला ने बनाई है
उसमें खुश्की कम और तरी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, खुश्की ये कम है। तो शायर कहता है कि हुजूर के औसाफ अगर हम लिखने बैठे तो समंदर का पानी तो सूख जाएगा लेकिन हुजूर के औसाफ खत्म नहीं हो सकते, वो बयान नहीं हो सकते, कोई उसका हक अदा नहीं कर सकता सिवाय एक जात के। मेरी एक रुबाई है कि कौन ये राज आयां कर सकता है, कौन ये राज आयां कर सकता है, आयां यानी जाहिर, कौन ये राज आयां कर सकता है, नाते नबी बयां कर सकता है, ये काम तो सलाम सिर्फ खाली के दो जहां कर सकता है, ये काम तो सिर्फ खाली के दो जहां कर सकता है। बहरहाल आज वक्त रहा तो मुझे चार बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है। हम शुरू से चलते हैं जहां से कल भी हमने बात शुरू की थी। कुरान पाक में भी इसका तज़किरा है जो बात मैं जिक्र करने जा रहा हूं, और इस्माइल भाई हदीस पाक में भी इसका तज़किरा है। एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया जिसका मफहूम यह है कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अन दावत इब्राहीम, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मैं बशारत हूँ, मैं खुशखबरी हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। चौधरी साहब ने उस दिन जो अहमद के ताल्लुक से पूछा था उस पर भी कुछ गुफ्तगू करनी है लेकिन आज की मजलिस में नहीं होगी। तो ये भी कुरान में है कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबीर चचा क्या हूँ, बशारत हूँ, खुशखबरी हूँ। और तीसरी बात हुजूर ने ये फरमाई जिसका मफहूम यह है कि मेरी वालिदा ने जो ख्वाब देखा था जब मैं मेरी वालिदा के पेट मुबारक में था तो उस ख्वाब की मैं ताबीर हूं, यह हदीस पाक में आया है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, तो कुरान कहता है कि वैद यरफउ इब्राहिम अल कवाइद मिन अल बैत व इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم। दरमियान की आयत हम छोड़ते हैं, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्होंने ये मांगा कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलम मिन्हुम यतलू अलैहिम आयातिक وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ। इसमें गौर करो क्या फरमाया, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलम मिनहुम, ये फरमाया ये मांगा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कि उन्हीं में से हो जिस पैगंबर के लिए दुआ की वो उन्हीं में से हो, और ये दुआ बिल्कुल मुनफरिद अनोखी और यूनिक ये क्यों है, तो उसकी वजह सुन लो कि इस दुआ में क्या ख़ास है। इस दुआ में जो ख़ास है वो एक बात ये है चौधरी साहब कि पहले जितने भी अंबिया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए वो किसी ख़ास इलाके के लिए होते थे, किसी ख़ास कौम के लिए होते थे। आपको सुनाया था लास्ट वीक कि एक ही वक्त में एक से ज़ायद अंबिया भी हुए हैं और ये कुरान में तज़किरा है
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا تھے؟ نذیر بھائی نبی تھے. ہاں ایک ہی زمانہ ہے. بعد میں اس سے پہلے بھی نبی دیکھ لیجئے، بعد میں دیکھ لیجئے، کوئی عالمی نبی نہیں آیا. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمیم ام المدارس اظہر ہند دار العلوم دیوبند، اللہ والوں کو اللہ کیا نظر دیتا ہے. اس وقت تو یہ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا بھی اتنا آگے جو ہے نہیں تھا، وہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ تھا، لیکن حضرت کا ایک بیان چھپا ہوا ہے، خطبات حکیم الاسلام. یہ حکیم الاسلام کے خطبات کا مجموعہ 10 جلدوں میں 10 ولیومز میں موجود ہے. حضرت نے آج سے کئی سال پہلے حافظ صاحب یہ فرمایا کہ چونکہ یہ دنیا اب گلوبل ہوگی تو اب عالمی نبی کی ضرورت، چونکہ دنیا اب کیا ہو گئی؟ گلوبل وہ ہو گئی، ایک محلہ ایک گاؤں، پھٹ سے ایک چیز یہاں ہوتی ہے دنیا بھر میں خبر ہو جاتی ہے. ارے بعض مرتبہ تو ہماری اسٹریٹ میں کسی کا انتقال ہوا یا بیمار ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چلتا اور انڈیا پاکستان دوسری جگہ سے میسج آنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ خبر صحیح ہے کیا. ہر چیز اب تو پہنچ رہی ہے، ہو رہی ہے. کسی ملک کے اندر کچھ ہو رہا ہے، اس کی آواز یو کے کی پارلیمنٹ میں بلند ہو رہی ہے. کسی ملک میں کچھ ہو رہا ہے، امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر اس کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے. حالانکہ کوئی وہاں کہنے نہیں گیا، کوئی سفر کر کے نہیں گیا، ورنہ ایک دور تو وہ تھا امین بھائی کہ مولانا محمد علی جوہر کو اپنی بات رکھنے کے لیے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں سفر کر کے آنا پڑا تھا، چونکہ وسائل نہیں تھے ایسے. لیکن آج خبریں پہنچ جاتی ہیں، آج کوئی چیز چھپ کے نہیں رہتی. حضرت نے فرمایا یہ دنیا گلوبل ہوگی، ایک محلہ ایک گاؤں ایک اسٹریٹ بن کر جو ہے وہ رہ جائے گی، تو اس لیے اب ضرورت بھی عالمی نبی کی تھی کہ عالمی نبی آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی ہے عمران بھائی، اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو نبی آئے تو نبی بھیج تو کیسا ہو؟ عالمی ہو. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور کہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور خود حضور نے یہ فرمایا کہ وارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر یہ بھیجا گیا ہوں. فزلت علی الانبیاء بست او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں ایک چیز آقا نے یہ بیان فرمائی. تو عالمی نبی بھیج، اور نبی بھی ہو تو انہی میں سے ہو، یہ ایک اور شرط. اگر آپ سمجھنے کے لیے کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا میں ایک بات یہ تھی حنیف بھائی کہ انہی میں سے ہو. اب اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر غالباً 11 پارہ ہے، وہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہاں ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور کہیں قرآن نے یہ فرمایا
कि हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मीन रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। और इससे बड़ी बात अल्लाह ने फरमाई, अल्लाह ने इस बात को बतौर एहसान है सुलेमान भाई, बतौर एहसान ये फरमाया कि मैंने मोमिनीन पर यह एहसान किया। चौथे पारे में लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम। देखिए यहां तो दोनों बात यकसा हो गई, वहां भी यही सेगा है कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम। और वहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि वो नबी आएगा तो क्या करेगा, आलमी नबी, यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और एहसान इस बात का है जिसको कुरान आगे कह रहा है कि अल्लाह ने क्या एहसान फरमाया, वइन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, कि तुम इससे पहले सिर्फ गुमराही में नहीं जावेद भाई, कुरान कह रहा है तुम खुली गुमराही में थे, कि इंसानों हुजूर की आमद से पहले तुम क्या थे, खुल्लम खुल्ली गुमराही में थे। अल्लाह तबारक व ताला ने एहसान फरमाया, जिन्होंने हुजूर की दावत पे लब्बे कहा वो दारैन की दौलत से माला माल हो गए और माला माल होंगे आगे भी, जो हुजूर की दावत पे लब्बे कहेगा, और जो ठुकराएगा, नाकदरी करेगा, नहीं सुनेगा। शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, फैजान तसव्वुर है कि हम चूम रहे हैं, फैजान तसव्वुर है कि हम चूम रहे हैं, सरकार दो आलम के कदम चूम रहे हैं। फैजान तसव्वुर है कि हम चूम रहे हैं, सरकार दो आलम के कदम चूम रहे हैं। ये तो मुसलमानों के लिए है, जिन्होंने दावत को ठुकराया उनका हाल सुनो, सरकार दो आलम की तबलीग से रहे जो दूर, सरकार दो आलम की तबलीग से रहे जो दूर, वो आज भी पत्थर के सनम चूम रहे हैं, वो आज भी पत्थर के सनम चूम रहे। सनम यानी बुत, हाँ बुत, और ये किससे तराशा जाता है, पत्थर से। जब अकल पत्थर हो जाती है तो वो पत्थर ही को फिर चूमती है, तो वो पत्थर के सनम जो है वो चूम रहे हैं। बहरहाल तो ये अब इसी बात को कि ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हो गई, बशारत, गुड न्यूज, खुशखबरी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुनाई। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्यों सुनाई, इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर है कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, और यही वो पैगंबर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो क़यामत के करीब, अरे बोलो क्या होगा, दोबारा जो है तशरीफ़ लाए। वो जो मिर्ज़ा की बात निकली थी जिसने नबूवत का दावा किया, वो एक दलील ये भी देते ये लोग, हम जब उनको ये कहते हैं ना, बात आई है तो सुन लो, हम जब उनसे ये कहते हैं कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो वो कहते हैं कि जब ईसा आ सकते हैं तो ग़ुलाम अहमद क्यों नहीं आ सकते हैं,
वो क्या कहते हैं मंजूर भाई, उनको मंजूर नहीं ये बात कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आ सकते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो गुलाम अहमद क्यों नहीं आ सकता। तो उसका जवाब ये है कि अकल के बारदानों हैं अशफाक भाई, वो इसलिए कि हम ये कह रहे हैं कि हुजूर खातिमुन नबीयीन है, दोनों तरह ता पर जबर भी और ता के नीचे जेर भी, थोड़ा सा माने में फर्क हो जाएगा लेकिन दोनों ठीक है। चाहे आप खातमुन नबीयीन कहो या खातिमुन नबीयीन कहो। हमने कहा कि ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुद ख्वाहिश थी कि मुझे जिस नबी की आप, नबी के अल्लाह आप फजाइल बयान कर रहे हो, मुझे उसकी उम्मत में भेज देना। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या थी, ये ख्वाहिश थी। तो एक तो अल्लाह तबारक व ताला ने यही ख्वाहिश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी लेकिन मंजूर नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश उसकी तकमील होगी, वो मंजूर हो गई। जब वो आएंगे तो रिवायतों में ये बात मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं खुद भी उस पर चलेंगे, लोगों को भी उसी पर चलाएंगे। अब हमारे लोग भी बाज बड़े अजूबे होते हैं, हैं क्या होते हैं, अजूबे होते हैं। अब पूछने वालों ने ये पूछा कि अच्छा जब हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे तो हनफी होंगे कि शाफी होंगे। तो वाह है सिद्दीक भाई, कि हनफी होंगे, शाफी होंगे, मालिकी होंगे के हम्बली होंगे, क्या होंगे हैं आशिम भाई। तो अगर आपको ये पढ़ना हो तो हमारे करीब में जो मस्जिद है मदीना मस्जिद, वहाँ के इमाम मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर फारूक साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने पूरा इस पे एक मजमून लिखा है जो छप भी गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हनफी होंगे कि क्या होंगे। अल्लाह के बंदो देखो तो सही, जरा वो नबी है और अब पूछ रहे हैं कि हनफी होंगे कि शाफी होंगे क्या होंगे। बहरहाल तो ये आजकल जो ईसाई है, एक तो ये कि एक बड़ी तादाद तो है जो मानती नहीं है, लेकिन जो मानते हैं और जो वो अपने मजहब के ये एतबार से उनका उनके अपने जोम में कि ये हम मजहबी एतबार से कर रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी तकजीब करेंगे क्योंकि दीन मुहम्मदी उसकी इजाज़त नहीं देता। वक्त नहीं है वरना मैं इशारा करता कि वो क्या चीज़ें होगी। तो ये नए नबी नहीं आएंगे, नया नबी नहीं आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं हुजूर से पहले, यानी जो नबूवत बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसका मफहूम यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत और रिसालत की मिसाल ऐसे हैं कि एक पूरा महल आप समझ लो कि महल ये तामीर हो रहा है। महल तामीर होना शुरू हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, तामीर होता हुआ आया 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 तामीर हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए लेकिन अब भी बुखारी शरीफ की रिवायत का मफहूम है, आका ने ये फरमाया कि एक ईंट की जगह बाकी रही थी। महल उसकी तामीर में एक ईंट की जगह क्या थी, ये बाकी थी। हुजूर ने फरमाया मैं वही ईंट हूं। तो अब नबूवत का जो कसर है, नबूवत का जो महल है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, तामीर हो चुका है, बन चुका है, मुकम्मल हो चुका है। ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये कम्प्लीट है। तो अब किसी की जरूरत ही नहीं है, अब जरूरत ही नहीं है, वो कम्प्लीट हो चुका है। और ईसा अलैहिस्सलाम भी वो आएंगे, इसीलिए देखिए वो रिवायत का मफहूम आपने सुना होगा कि ये दोनों एक साथ होंगे। हजरत बोलो आगे। हाँ, इसीलिए मैं आपसे बुलाना चाहता था कि मैं रुक जाऊं
बाज़ों ने कहा सिर्फ मेहदी, ठीक है ये, लेकिन कुछ हजरात ने कहा अलैहिस सलाम, ये गलत है, इसीलिए मैं रुक गया। अलैहिस सलाम मत कहो, अलैहिस सलाम ये जो इस्तिलाहात है, इस्लामी इस्तिलाहात है, हर एक को अपने मकाम पे रखो। इफरात व तफरीद से मामला बिगड़ता है। अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरे पारे की दूसरी आयत में ये फरमाया कि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, और सूरह फातिहा में रोज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन तरह का जिक्र है, इफरात का, तफरीद का, दोनों जमात का, और बीच का, दरमियानी राह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम यही मांगते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये रास्ता। तो इसलिए अलैहिस्सलाम, फिर आप उसको क्या कहेंगे? बाज़ लोग कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम, तो जब आप उनको मना करेंगे और साथ में यूं बोलेंगे कि मेहदी अलैहिस्सलाम, आप ही मुझे बताइए फिर क्या फर्क हुआ? हम तो मेहदी को नबी नहीं मानते और मानना भी नहीं है, शरीयत की ये हमें तालीम है कि मेहदी उम्मती होंगे, नबी नहीं होंगे। लेकिन अगर मैंने और आपने मेहदी के साथ अलैहिस्सलाम लगाया, तो जो लोग हजरत अली के साथ अलैहिस्सलाम लगाते हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप समझ गए, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम, हव्वा, हाँ, लुकमान अलैहिस्सलाम, नहीं, ये नबी के साथ ख़ास है। अलैहिस्सलाम किसके साथ ख़ास है? नबी के साथ। आपको अगर बोलना है महदी के साथ तो रदी अल्लाहु अन्हु बोलो, क्या बोलो? हज़रत महदी रदी अल्लाहु अन्हु। एक बार और याद रखो, इमाम भी मत बोलो। बाज़ लोग बोलते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम या इमाम महदी, तो ये वही जो एक फ़िरका है, उनके नज़दीक वो जो इमाम है ना, वो एक अलग माने में है। उनके यहाँ इमाम नबी की तरह मासूम होता है, उनके यहाँ इमाम क्या है? नबी की तरह मासूम होता है। इसी से फिर बातें बिगड़ती है। हर चीज़ को उसकी हद में रखो, उसकी बाउंड्री में रखो, यही जो है हमें तालीम है। इधर उधर जो है वो भटका मत करो हर चीज़ को। हमारे यहाँ मस्जिद में भी ये प्रॉब्लम होता है कि हमारी मस्जिद में फलाणो काम नहीं था, पर कोई मोटा कारी साहब आव है, कोई मोटा मौलाना आव है, तो आँख खड़ा काम कर है, गलत है ये। जब आप मना करते हो कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं हो सकती, तो चाहे कोई आ जाए, नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ, वो फारूक भाई ने ऐलान किया था कि भाई ये नहीं करना है, लेकिन बावजूद उसके मैंने सुना कि हुई। तो आप खड़े होके कहो कि मोबाइल से भी नहीं होगी। जब आप दारुल उलूम देवबंद का फतवा मानते हो, उस पर चलते हो, तो इस पर स्ट्रिक्ट रहो, देखो तो मना करो। लेकिन अब बड़े साहिब आए हैं, बड़े कारी आए हैं, हैं, हाँ, तो फिर वहाँ चश्म पोशी करना, आँख आड़ा कान करना, ये गलत है। कोई आ जाए, आपने जो उसूल बनाए हैं उसमें कामयाब उसी वक्त होंगे, बल्कि ये जो बड़े हैं ना, इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ये काम ही बड़े बिगाड़ते हैं, याद रखना। ये जितने बड़े हैं ना, ये बड़े ही काम बिगाड़ दें। अपने उसूल बना दिया, छोटा हो के बड़ा हो, नहीं होगा, नहीं होगा, गलत सो गलत, फिर कोई हो, कह दो आप प्रोग्राम रखना है, करना है, हमारी मस्जिद में ये उसूल है, वरना और भी कारी है आप जो है वो सुन सकते हैं, और भी उलमा है उनके बयान सुन सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो है कोई कमी नहीं रखी, दुनिया में बहुत है, लेकिन आप जो उसूल बनाओ, आपने जो मेहनत करके आज तक एक माहौल बनाया, उसको बिगाड़ो मत। और ये हम मुसल्लियों का भी फर्ज है,
इमाम का भी है, आपका भी, सबका फर्ज है। आपने बदाव पी हूँ के तो कह अपने का कमिटी में है अपने हो जो पी कहीं बोले नहीं तो कि आप कहाँ से नहीं सबकी है मस्जिद सबकी है अल्लाह का घर है मस्जिद का कोई मालिक नहीं न इमाम मालिक न मुअज्जिन मालिक न मस्जिद की कमेटी मालिक न जिसने वक्फ की जगह वो मालिक अगर किसी ने मान लो पूरी मस्जिद बना दी अपने पैसे से न वो मालिक ये कुरान कहता है सूरह जिन में वो अन्नल मसाजिदा लिल्लाह मैंने जैसे ही वक्फ की ये जगह निकल गई मेरी मिल्कियत से और अल्लाह ताला की मिल्कियत में आ गई। हाँ मना किया था हमारे यहाँ ऐलान हुआ लेकिन आप देखो अब वो बड़े कारी साहब का बेटा वही बना रहा था मैंने सुना कि वही बना रहा था मना करो उसको या फिर इजाजत देनी है तो इजाजत दो ठीक है उलमा की दो राय है कोई मना नहीं करता लेकिन हमने ये दस्तूर में लिखा है बनाया है कि हम किसका फॉलो करेंगे। अरे ये भी मुझसे बुलाओगे अब भी दूसरा कोई नहीं बोल रहा है। अरे देवबंद तुम्हारी जुबान है क्यों बंद है तो वो है इसलिए इफरात और तफरीत में मत रहो एक है बस पकड़ के रहो जो है सो है कुछ हो जाए जो आपने उसूल बनाया है कोई आ जाए पहले आप उसको बता दो हमारी मस्जिद का ये उसूल है हमारे यहाँ ये होगा उसके अलावा नहीं होगा। बरसों यहाँ हजरत मुफ्ती सैयद अहमद साहिब पालनपुरी अल्लाह ताला मरहूम की कब्र को नूर से मुनव्वर करे कितनी मेहनत करके गए वो सदियों मेहनत लगी है यहाँ पर ये माहौल बनाने में आप उसको मिनट में जो है माहौल को बिगाड़ देते हो नहीं इसको कबूल नहीं करना है आप इस पर जमे रहो। अब लोग कहेंगे कि मन सब पोते अरे बाहर गमे ते दुनिया करती हो अल्लाह नो घर नो मामलो अलग छे ने मारो तारो प्राइवेट मामलो अलग छे हैं बाहर हम कुछ कर रहे हो चाहे मैं अपने मोबाइल से तस्वीर ले रहा हूं आप ले रहा हो आप बना रहे हो अल्लाह का घर अल्लाह का घर है। इसलिए अगर यहां हमने नमाज पढ़ी सवाब ज्यादा मिलेगा और मस्जिद नहीं है वैसे ही पढ़ी तो कम। यहां तक उलमा ने लिखा है कि अगर कोई मुसल्ला है सुनो ये मसला बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको पूछ लेना किसी भी मुफ्ती साहिब से एक नमाजी मुसल्ले में नमाज अदा करता है और एक बाकायदा मस्जिद में नमाज अदा करता है मुसल्ले में अदा करने का चाहे जमात से अदा की वो सवाब नहीं है जो मस्जिद में नमाज अदा करने का सवाब है। मुसल्ला मुसल्ला है वो मस्जिद नहीं है। अगर मुसल्ला भी मस्जिद ही होती तो फिर दोनों में फर्क होता ही नहीं दोनों में फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नमाज मत पढ़ो जो लोग मुसल्ले के करीब रहते हैं जो लोकल मुसल्ली नमाजी हैं मैं भी पढ़ता हूँ मुसल्ले में पढ़ो लेकिन बहरहाल एक मसला है मुझे इससे मस्जिद की अहमियत बतलानी है। मस्जिद मस्जिद है मुसल्ला मुसल्ला है कैसा भी हो मस्जिद छोटी हो मान लो किस एरिया वाइज और मुसल्ला एरिया वाइज बड़ा हो तब भी सवाब किसका ज्यादा होगा मस्जिद। हाँ जज़ाकुमुल्लाह चलो मैं भी बो नहीं करवाना जिद तमारा हैं वक्त जो है वो हो गया है तो गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं तो हम सब अपनी मस्जिद का माहौल जैसा है उसके बनाने में मेहनत करेंगे ना इंशाअल्लाह। और हैं करते हैं जब कभी आप लाइट बंद करने की करो ना मस्जिद जैसी नमाज खत्म होती है दस आदमी भागते हुए जाते हैं ऑफिस के अंदर ओ मंजूर भाई ने लाइट बंद कर दी अरे भाई ये 10 लाइटें जल रही है वो मैंने बंद कर दी तो वो मस्जिद का पैसा बच रहा है वो नहीं मानते वो अंधेरा हो गया तुम 5 साल का बच्चा थोड़ी अंधेरा हो गया तो तेरे को बाकी पूरी मस्जिद में चले अब लाइट पे फाइट मत करो हैं तो बाहर लाइट का मसला तो अलग है ये भी हम सुलझा देंगे बात करेंगे लेकिन एक अकीदे का मसला है हैं एक अकीदे का मसला एक अमली मसला है तो उसके अंदर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत जो है वो होती है। बहरहाल तो मैं क्या कह रहा था कि ये लोग ये धोखा देते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बस बात कंप्लीट करता हूँ दलील आपको देता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी है लेकिन अपनी नबूवत नहीं चलाएंगे उनको ये जवाब दो जब वो आएंगे उम्मती बनकर रहेंगे हुजूर के वो नबी नबी है उनका अपना मकाम है वो किसी की तकलीद नहीं करेंगे। लेकिन ये मेहदी पे से बात चली रिवायत का खुलासा है आखिरी बात
कि हज़रत मेहदी नमाज का वक्त हो जाएगा और कौन होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी नाजिल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ये दरख्वास्त करेंगे कि हज़रत आप मुसल्ले पर आइए और आप नमाज़ पढ़ाइए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे और कहेंगे कि इमाम तो तुम ही बनोगे, नमाज जो है वो मैं ये तुम्हारे पीछे अदा करूँगा, इसमें बताना ये है, वरना नबी हमेशा क्या है, इमाम होता है। नबी की मौजूदगी में कोई इमामत नहीं कराता, इसीलिए सिद्दीक अकबर इमाम बन चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, लेकिन पीछे से आहट पता चली कि पता चला कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, तो नमाज ही के अंदर अशफाक भाई क्या किया, उल्टे पांव पीछे जो हैं वो आए हैं, उल्टे पांव पीछे जो हैं वो आए हैं। तो बहरहाल यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम यही बताएंगे कि अब मेरी नबूवत नहीं चलेगी, एक ख़ास मकसद के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जो है ये होगा। बहरहाल अपना ये अकीदा बना कर रखो, अपना, अपनी औलाद का, घर वालों का, ख़ानदान का, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी है, बंदे हैं, और एक और चीज़ मिलाओ कि आखिरी नबी है, हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। बकौल हज़रत मौलाना इदरीस कांधलवी नवर अल्लाह कांधलवी नवर अल्लाह मरकदहु, हम न मुसैलमा कज़्ज़ाब को मानते हैं और न मुसैलमा पंजाब को मानते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला